ये तो देख लेते हैं कि भाई कौन सा प्लेनेट क्या है, कैसा है। तो वो अभी तक तो आपको खैर कुछ ज्यादा मैंने समझाया नहीं, और अभी समझ में आएगा भी नहीं, तो धीरे धीरे समझ लेंगे। ये इतना पता चल गया कि प्लेनेट कौन से साइन या हाउस में बैठा है ना। तो पिछली बार मैंने आपको हाउस पढ़ाए थे, तो ब्रॉडली बात कर रहा हूँ, अभी बाकी बातें बाद में करेंगे। ब्रॉडली बात कर रहा हूँ कि भी हमें देखना पड़ेगा प्लैनेट कौन से हाउस में है। तो हाउस की मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताई थी, जैसे ये सन मर्करी वीनस जो है ये सेवंथ हाउस में है, तो इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू सेवंथ हाउस, विच इज बिजनेस मैरिज। ठीक है, अगर केतु सिक्स हाउस में है समथिंग रिलेटेड टू डेब्ट, समथिंग रिलेटेड टू जॉब, ऐसा एक ब्रॉडली। अब वो ये जो प्लैनेट बता रहे हैं, तो ये अभी ये फलीभूत कब होगा, व्हेन इट विल शो इट रिजल्ट्स। तो उसमें आपने देखा होगा, जब आपने और वो कुछ हॉरोस्कोप देखी होंगी कि उसके अंदर लिखा होता है पीछे दशा। जब जब ये प्लैनेट अपने दशा में आता है, तभी अपनी जो सिग्निफिकेंस को एक्सरसाइज करता है, जो उनकी सिग्निफिकेंस है। केतु छठे भाव में बैठा है, तो डेप्ट्स है, जॉब है, लिटिगेशन है, एनिमीज है, जो भी है, तो वो अपना काम करेगा। उससे पहले वो नहीं कर पाता, उसके बाद में भी वो नहीं कर पाता। तो वो विमशोत्री, वो दशाएं हैं क्या? तो एक मैंने लिखी है विमशोत्री दशा। इसमें विम का मतलब है 20, शोत्री तो आप समझ ही होंगे 100, 100। ठीक है ना? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कई तरह की दशाएं बनाई, उसमें एक थी विमशोत्री दशा। 100 साल की भी है श्रोत्री, 108 साल की भी है अष्टपोत्री, है ना, ऐसे योगिनी 36 साल, बड़ी सारी। लेकिन जो एप्लीकेबल है वो यही है, बाकी अगर हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो काम नहीं करते। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की कौन कितने साल का कंट्रीब्यूशन है मैंने लिख दिया है। ठीक है, वही ऑर्डर है जो नक्षत्र का ऑर्डर है। तो इसी ऑर्डर में वो दशाएं चलती है। ये आपको रट्टा मारना, केतु की 7 साल की, वीनस की 20, 6, 10, 7, 18, 16, 19, 17। अब बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी कौन सी दशा चल रही होगी, ये अब क्वेश्चन आ गया। और आपकी इस समय कौन सी चल रही है, आपकी इस समय ये चल रही है तो आपके साथ क्या घटित होगा, आपकी ये चल रही है तो आपके पास क्या होगा, आपकी ये चल रही है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो मून की डिग्री से होती है। इसलिए मून की डिग्री जो पिछली बार निकलाई थी, काफी एग्जैक्ट एक्यूरेट निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि तो इसी पर डिपेंड करती है। और जरा सी मून की डिग्री इधर उधर हो तो कई दिन का या महीनों का डिफरेंस हो जाता है, तो फिर प्रिडिक्शन में एरर आएगा, है ना। तो इसको पहले तो ये याद करना, ये तो आप लिख, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करते करते हैं दशा को। तो पहले तो वही जन्म पत्री बनाते हैं, जन्म पत्री बनाने के बाद हम मून की डिग्री निकालते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब मून की डिग्री निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, मून की डिग्री निकालने के बाद इसमें दशा कैलकुलेशन करेंगे। दशा कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके लिए एक टेबल है। ठीक, वो टेबल नहीं, हर एक इम्पोर्टेंट है, बट मून की इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मून की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो सुबह से शाम तक, जैसे ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, मून है, तो ये सुबह से शाम तक 6 डिग्री चल गया। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर हम सन को देखें तो वो सुबह से शाम तक, क्योंकि पूरे दिन के अंदर 1 डिग्री चलता तो सिर्फ आधे डिग्री चलेगा, तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं हुई। मून का तो यह है कि हो सकता है वो साइन ही चेंज करते, नक्षत्र चेंज करते, फिर हम कैसे उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मून की और मून के ऊपर दशा निर्भर है, तो इसलिए मून की हम डिग्री को निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल मैंने आपको भेज दी है सारी, बट मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसको कैसे देखना, कि मून की अगर ये डिग्री है तो किस
इसमें हाँ क्या बोल रहे हैं आप, चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो ऐसे परेशान हो गए जैसे मैं, पता नहीं क्यों परेशान क्यों हो रहे हो। आपको यहाँ बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, तो आपको टेबल हाथ में दूंगा ना। मेन की डिग्री निकालना मुश्किल लग रहा है। कौन किस चीज के टीचर हो मैडम आप? हिंदी की है ना, तो इसलिए फिर मुश्किल है। जो लैंग्वेज में अच्छा होता है और जो म्यूजिक में अच्छा होगा, डांस में अच्छा होगा, उसके मैथमेटिक्स में कमजोर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। डिफरेंट माइंड होते हैं मैडम, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन अलग होते हैं, तो आपका दूसरा डेवलप है, तो इसलिए आपको जमा घटा में आपको दिक्कत आती है। ये आता है, कोई बात नहीं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए इस तरीके निकाली जाती है, दैट इज एनफ। और ये तो रेडीमेड जो है उसमें निकलेगी, सॉफ्टवेयर में निकलेगी, तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो एक टेबल है यहाँ पर, ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर बताया तो आपको, कौन सा पेज नंबर आपको देखना है? पेज नंबर है 238। तो 238 पेज नंबर को आप खोल लो। गुड मॉर्निंग, बैठे बैठे पेज नंबर 238 को आप खोल लो। ठीक है, अब मून की डिग्री है 10 degree 3 sin 10 degree 47। तो पहले तो टेबल देखते हैं। अब टेबल में क्या है, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। ठीक है, मून जो है की डिग्री क्या है, फिर लिखा हुआ है मून इन एरीज लियो सेजिटेरियस। मून लियो में है, एरीज में है या सेजिटेरियस में है। फिर मून टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, ये लिखा। अब हमारा जो मून है वो कैंसर में है, तो हमें कैंसर वाला जो कॉलम देखना है। ठीक है ना, अब कैंसर वाला कॉलम में हमें ये देखना पड़ेगा कि मून की डिग्री क्या है, 10 degree 47 minute। तो हम क्योंकि बोर्ड पे लिखा है कि मून इज कैंसर, ये मैडम जी ये मून कहाँ पर, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, 3 sin 10 degree 47 minute, काले पेन से लिखा है सफेद रंग के बोर्ड पे। ठीक, चलो अब इसके बाद ये आपने देखना है कि मून की डिग्री क्या है। ठीक है ना, तो पहला कॉलम देखना है, उसमें मून की डिग्री लिखी है, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, राइट, फर्स्ट कॉलम। तो उसमें 0 to 20 minutes के डिफरेंस में लिखे हुए, पहले 0 0 और लास्ट में हमें देखना है जुपिटर, है ना, 4 years, राइट। अब 10 डिग्री तक जाते हैं, ये हो गया 10 डिग्री तक जाते हैं, तो कैंसर में नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे को बता दो, कैंसर के कॉलम। कैंसर के कॉलम में 10 के सामने पहला 960। ठीक है जी, समझ में आया नहीं आया, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ये ना सर कि जो मून की डिग्री है दैट इज 10 degree 47। तो मून की जो डिग्री है वो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम कौन सा, 10 डिग्री से पहले क्या लिखा सर, 3 sin। ठीक है, 3 sin, ठीक, मतलब 3 sin पार हो गया। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो अब तरीका जो आया सो आया, कर नहीं सकते कुछ, जो चला आ रहा है पीछे, वी हैव टू फॉलो इट, इट इज नॉट बिकॉज वी हैव टू फॉलो इट कि हम उनके गुलाम है, वी हैव टू फॉलो इट बिकॉज ऑल अदर्स आर फॉलोइंग इट, सो टू अंडरस्टैंड देम वी मस्ट नो इट। ठीक है, तो 3 sin हो गया, 3 sin पार हो गया, 10 degree 47 minute। तो फर्स्ट कॉलम देखना, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, फर्स्ट कॉलम में 10 डिग्री लिखा। अब मून का है कैंसर में, 960। तो हमें कैंसर वाला कॉलम देखना, तो हमें 10:47 है हमारे पास,
लेकिन यहाँ पर जो इस टेबल में 1047 नहीं है, इस टेबल में 1040 है, 1040 के बाद 11 है, तो 1040 के जो सामने है वो क्या है? 80 तो ये है बैलेंस ऑफ दशा ऑफ मून 8 years 6 months 18 days. इसका मतलब ये 8 6 18 का मतलब ऊपर आप देखोगे ना तो ऊपर लिखा है टॉप पे YMD, Y का मतलब ये टॉप पे देखोगे, ठीक है? तो 10 अगर 40 है, अगर मून है बैलेंस दशा ऑफ मून 3 sin 10 degree 40 minute पे, तो मून का जो बैलेंस दशा है दैट इज 8 6 18, ठीक? हमारा हमको 47 चाहिए, ठीक है? तो नियरेस्ट ले लेंगे 1040. अब बाकी आगे बात हमने लिख दिया बैलेंस दशा मून 3 sin 10 degree 40 minute की, तो है अब बाकी 7 मिनट का झगड़ा रह गया. 7 मिनट का जो है आप दूसरे जो उसमें ले लो जाके पेज में, तो दूसरे पेज में नीचे आपको मिल जाएगा शनि के कॉलम में, क्योंकि बैलेंस दशा शनि है, ठीक है? सर जी ये वाला पेज, पेज नंबर 239. तो उसमें नीचे वाला जो टेबल है उसमें आप देखो शनि का 7 साल का उन्होंने वैल्यू दे रखी है. कितनी दे रखी वैल्यू? 2 months दे रखी, ठीक है? तो 7 मिनट की होगी 2 months. ये हो गया बैलेंस दशा मून 3 years 10 degree 47 minute, तो ये इज इक्वल टू हो गया 8 years 4 months 18 days. तो इसमें हमने शनि की आप देखो दशा किसकी थी, चल रही थी शनि की, चल रही थी ये शनि, इतना तो मुझे ही पता, ठीक है? क्योंकि शनि चल रहा है तो शनि के कॉलम में देखेंगे, मर्करी चल रहा है तो मर्करी कॉलम में देखेंगे. इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस इसलिए किया, आप ध्यान से देखो बुक के अंदर, बुक के अंदर ध्यान से देख लो कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही है दशा घटती जा रही है, ठीक है ना? तो हमें एग्जैक्ट दशा पता चलती है कि बच्चा जो है किस दशा में पैदा हुआ, उससे क्या होगा बात की बात है अभी, पहले हम मैथमेटिकल समझ. अब इस टेबल को दोबारा से देखते हैं, ठीक है? टेबल क्या है, ऊपर हेडिंग क्या है, सबसे ऊपर बैलेंस ऑफ हिमशोत्री दशा बाय लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, ये बैलेंस दशा निकलेगी बाय डिग्री ऑफ मून और लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, ठीक है? तो पहला कॉलम है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, उसमें डिग्रीज दे रखी है, मून जब इन इन डिग्री में होगा उस तो कौन सी दशा चलेगी. अब पहले एरीज पकड़ लेते हैं, फर्स्ट के कॉलम का सेकंड कॉलम है मून इन एरीज, वही वाला पकड़ेंगे. तो अगर 0 degree मून है तो दशा केतु की 7 साल, ठीक है? और 20 मिनट है 6 years 9 months 27. ये ऐसे जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी दशा कम होती जाएगी, और 13 degree 20 मिनट पे केतु की दशा खत्म हो जाएगी. ये क्या है, दीज आर नक्षत्र, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? हाँ जी सर जी. केतु कैसे, केतु कितने पे खत्म हो रही है, केतु की दशा कितने डिग्री पे? 13 degree 20 minute पे वीनस शुरू हो रहा है, उसका मतलब केतु खत्म हो रहा है. सर ये विषमत्री दशा का मतलब क्या होता है? आप लेट आए इसलिए. विम का मतलब 20, श्रोत्री का मतलब 100, 120 साल की दशा. ये जो मैंने साइड में लिखा है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की इतनी कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगी, ये ऑर्डर बदलेगा नहीं. महादशा बोलते हैं या इसको महादशा भी बोलते हैं, इसको मेन पीरियड भी बोलते हैं,
तो कई शब्दों कई हिसाब से बोला जाता है। साउथ इंडिया में दशा नाम से बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन में महादशा बोलते हैं। अंग्रेज को सिखाना होता है तो मेन पीरियड कहते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि आदमी की एज 120 इयर्स है इसी हिसाब से सर? नहीं ऐसा नहीं मान के चलते हैं। मतलब डिजाइन किया है कई और भी टाइप की डिजाइन की गई है, 108 की है, 100 की है, 36 साल की भी है। तो 36 साल की योगिनी कहते हैं उसको, तो ये तो माना नहीं कि 36 साल वो रिपीट होगी 36 साल। 80 साल का भी करते हैं सर? 80 साल का? अरे 56 टाइप की है भाई, 56 टाइप की, 56 टाइप की है ना। लेकिन जो मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी कोई चीज को डिजाइन करते हैं, जैसे एग्जांपल है थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगता है, कौन सा मेटल होता है जगता है, कौन सा फिलामेंट है? वो होता है टंगस्टन, ठीक है ना। वो आपने कहा होगा ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे तार सी बनी होती है, ऐसे ऐसे करके छोटी सी कॉयल सी, तो दैट इज टंगस्टन। सिर्फ टंगस्टन करंट पार करने पे इल्यूमिनेट होता है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए वैक्यूम में रखना पड़ता है। तो इससे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने बड़े सारे तारे लगाई, कॉपर की लगा दी, फलानी लगा दी, सिल्वर लगा दी, गोल्ड लगा दी, बजरा का रख कर लिया, कोई ना जले। तो फिर जब टंगस्टन जल गया तो उसने कहा हो गया काम। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कई तरह की बनाई लोगों ने, इस तरह से हवाई जहाज बनाया, तो विल्बर राइट से पहले लोगों ने बतरे बतरे काम पंख ऐसे करके उड़े, नीचे गिर के मर गए। किसी ने गुब्बारा उड़ाया तो गुब्बारे आज भी उड़ते, लेकिन गुब्बारे की प्रॉब्लम है हवा से चल रही है, फिर वो हवा इस डायरेक्शन में चल सकता है। हवाई जहाज जो है हवा की उल्टी डायरेक्शन में चल सकता है। गुब्बारे चलाते थे लोग तो फिर वो उसी डायरेक्शन में, अंदर आ गया तो पता नहीं चलता था उल्टा हो गया सीधा हो गया, फिर तो क्या। तो ये मतलब वो हो गया जो अंदर से भी नहीं गिरेगा, किसी चीज से नहीं गिरेगा, तो टाइम टेस्टेड है कि भाई ये ठीक है, बाकियों के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, तो यही वाला हम यूज कर सकते हैं ना। थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी है। अब वापस आ जाते हैं इस पे कि केतु हो गया, केतु के बाद फिर वीनस, वीनस की भी 13 degrees 20 minutes की होती है, ठीक है ना, डिग्री नक्षत्र। तो आप दूसरे पेज पे चले जाओ आप, तो ये वीनस का ही फर्स्ट कॉलम में आप देखो 26:40 पे वीनस की दशा खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर सन की शुरू होती है, ठीक है, सन की शुरू होगी 26:40 पे। अब फिर टॉरस पे आ जाओ तुम, मून इन टॉरस कम बैक ऑन दी मतलब प्रीवियस पेज, प्रीवियस मून इन टॉरस, सॉरी सन पहले खत्म होगा फिर मून शुरू हो जाएगा, मेरी गलती। स्टार्ट सन से होगा, 10 degrees सन तक चलेगी, फिर मून पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप देख लो मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी, ऐसे ही चलेगा। तो नाइन्थ जो हमारा जो नक्षत्र है वो मरकरी हो गया, मरकरी एंड हो जाता है, हा? तो जो नक्षत्र और विमशोत्री दशा इज द सेम, राइट। बट जो नक्षत्र को डिग्रीज को ईयर्स में हमने कन्वर्ट किया होगा, तो मून जिस नक्षत्र में होगा उसी की दशा आदमी की पैदाइश होते ही चलेगी। अगर मेरा मून शनि में नक्षत्र में होगा तो मेरी शनि की दशा शुरू होगी, कितने इयर्स की होगी वो स्टेबल से कैलकुलेट होगी। मैं जब पैदा होऊंगा तो 7 साल की बाकी रहेगी, 18 साल की बाकी रहेगी, 5 साल की रहेगी, कितने की रहेगी। इसमें जो है मून विमशोत्री बैलेंस दशा मून 3 इयर्स ये शनि की रहेगी, शनि के बारे में शनि की रहेगी। जब बच्चा पैदा हुआ तो शनि उसका 8 साल 4 महीने 18 दिन उसकी दशा चलेगी, जब वो 8 साल 4 महीने 18 दिन का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसकी शनि के बाद मरकरी की शुरू होगी। सर 10 degrees 40 minutes 47 minutes था, इसमें हमने 10:40 का लिया, 7 मिनट का अलग से लिया, तो 40 के बाद 7:40 + 7:47 था, तो इसमें 2 months ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रखा है ये। देखो ना जब डिग्री बढ़ती है तो दशा घटती है, देखो सर। अगर सर ये 10:40 की जगह 11 का लेते हैं फिर माइनस ना करते, ये तू देख तो सही, मैं बोल तो रहा हूँ जो उसको सुन रहे, घर में जनानी नहीं सुनती, क्लास में स्टूडेंट नहीं सुनती, ये तो देखा ये कम हो रहा है। हाँ वही, तो फिर कम करते हैं ना, 7 ऐड करेंगे, 40 + 7 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको डिडक्ट करेंगे। पर हमने पहले ही कम ले रखा है, 10:40 का ले रखा है हमने बेटा, 40 के बाद तू 11 देख, तो कम है ना यार, ठीक है।
इसलिए 7 के बाद 8 आएगा तो और घटेगा, ऐसे मून की डिग्री बढ़ती जाएगी, दशा घटती जाएगी। अब है कि अगर हम कहते हैं कि बच्चा 8 साल 4 महीने का हो गया तो फिर मरकरी में कितना हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। तो नॉर्मली इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई आजकल बच्चे जो है लड़का अगर होगा तो 25 के बाद ही उसकी शादी होगी शहरों में। तो अब केतु की दशा, हम उसको बोलेंगे केतु की दशा आ गई, तुम्हारी शादी 7 साल के अंदर हो जाएगी, 99.9% की हो ही जानी, एज ही मैरिज की एज है ना। तो इट इज नॉट अ गुड प्रेडिक्शन कि पॉइंट की केतु मैरिज बता रहा है, हम उसको बताएं कि भाई केतु की तुम्हारी मैरिज जो है केतु के पीरियड में तुम्हारी मैरिज हो जाएगी 32 और 32 बहुत ज्यादा चीजें होती है, शादी भी हो जाएगी, अमूमन शादी भी हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएगा, कार भी खरीदता आदमी, प्रॉपर्टी में भी अगर आई टी वी टी में है तो दोनों मियाँ बीवी मिलके एक फ्लैट भी बुक हो जाता है उनका, देते रहते हैं पैसे, एक आधा चक्कर फॉरेन भी घुमाते हैं, ठीक है, प्रमोशन भी हो लेती है एक दो। तो ये जो पीरियड है बहुत ज्यादा इसके अंदर इवेंट्स होते हैं, जैसे समझ लो कि भी चौथी में 4 साल तक से 16 साल तक क्या इवेंट रहेगा, एजुकेशन है, भगवान ना करे मतलब कि हेल्थ खराब हो, ठीक है, या ट्रेवल हो जाएगा, माँ बाप ले गए अमेरिका घुमाना है, इन जनरल उसका अपना कोई एजुकेशन से ज्यादा कुछ नहीं, इस तरह 60 साल के बाद नॉर्मली लोगों का कुछ। बट जैसे बच्चा जो है प्रोफेशन में घुसता है उसके बाद से लेकर तकरीबन 60 साल तक चीजें बहुत ज्यादा होती है, खासकर शादी के बाद एकदम से 5-7 साल बहुत ज्यादा होते, बच्चा हुआ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट, बीवी होने से लाइफ चेंज हो, बच्चा होने से लाइफ चेंज, प्रॉपर्टी का भी सोचना यार, जितना बड़ा लोग बढ़ रहे हैं तो ये सब ना। तो ये कह देना कि 7 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी नॉट अ गुड प्रेडिक्शन। तो हमें वीनस का तो 20 साल, वीनस की जिसकी दशा आप बोले कि तुम्हारी 20 साल में शादी हो जाएगी, ये तो कोई प्रेडिक्शन ना हो, तो हमें इसमें जो है और छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे इससे हम और प्रिसाइज कर जाए, ठीक है। तो ये दशा है साउथ इंडिया में, इसको कहते हैं दशा, फिर साउथ इंडिया में उसकी जो छोटा पार्ट होता है उसको कहते हैं भुक्ति, उससे छोटा पार्ट होता है उसको कहते हैं अंतर, तीन पार्ट करते हैं हम इसके, दशा दशा भुक्ति और अंतर। नॉर्थ इंडियन में कहते हैं इसको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर। अंग्रेजों को पढ़ाना होता है तो फिर हम कहते हैं मेन पीरियड, सब पीरियड, सब सब। तो केतु की जब दशा होती है तो उसकी अंतर दशा क्या होगी, मुक्ति रेगा। अगर केतु की दशा शुरू होगी तो केतु की अंतर दशा या भुक्ति शुरू होगी, जब इसको बांटते हैं जैसे 7 जो साल की दशा है या वीनस की 20 साल की दशा है कोई भी है उसको 9 पार्ट में ही बांटते हैं। अगर केतु की दशा शुरू होगी तो पहला जो सब पार्ट होगा भुक्ति होगी वो केतु की ही होगी, तो वो कितने पीरियड की होगी, 7 × 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे यूनिट प्लेस को, 4 months 27 days, ये इसका मेथड। फिर दूसरी वीनस की होगी 7 × 20 = 140 = 14 months, क्योंकि 0 × 3 निकाल। फिर कौन सा, शनि, सन, 7 × 6 = 42, 2 × 3 = 4 months,
6 days. मेरी मर्जी, गुरु कौन, मैं, सियाणा कौन, मैं, फैसला कौन करेगा, मैं ही करूंगा। तो उसका क्या, हमने कहा कि 7 को हमने जो इयर्स है उसको हमने 9 पार्ट्स में बांटना है। तो ये जो मैंने ऊपर का कैलकुलेशन, ये थोड़ी इजी हुई है, इसको अगर हमें कैलकुलेशन को और तकलीफ दे बनाना है तो फिर मेथड ये होना चाहिए 7/120, क्योंकि 120 साल का पीरियड है। तो मैंने इसको केतु का अगर निकालना है तो केतु को भी 7 साल टोटल 120 में वो करता है, क्या नाम है, कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरे को 7/120 करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर आएगा 49/120 इन ईयर्स, क्योंकि ये भी ईयर है, ये भी ईयर, ये ईयर में आएगा। अब 49/120 करो, इसमें कैलकुलेटर डाल भाई, अब इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, 147 days. तो ये उसको इजी करने का मेथड बनाया, फॉर्मूला होता है ना मैथमेटिक्स में, कई में फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये पंगा करने की जरूरत नहीं, द टेबल इज अवेलेबल एंड नॉट इवन टेबल इज रिक्वायर्ड फॉर यू, व्हेन द सॉफ्टवेयर विल बी देयर देन यू विल बी डूइंग बाय सॉफ्टवेयर, नॉट रिक्वायर्ड, बट यू मस्ट नो काया कहाँ से भाई। अभी हम वो पढ़ रहे हैं कि भाई तू आया कहाँ से भाई, अभी हम प्रेडिक्शन नहीं पढ़ रहे, बेसिक, ठीक है। और सर ये इस क्लास की वीडियो बन गई है ना, देख सकते हैं ना, यहाँ पे वीडियो बनती है, मतलब लिखने की, नहीं वीडियो बनती है, 7/10 मून का 7/10 7 मंथ्स, तो ये टोटल जब आ जाएगा उस सारे 4 months, 27 days, 14 months, 4 months, 7 months, ये आप टोटल कर लेंगे तो ये 7 ईयर्स आ जाएगा। इसकी टेबल इज अवेलेबल, इसी बुक में अवेलेबल है, इस अगर नंबर 240 ठीक है, केतु का पकड़ो, ठीक है, सबके दिए हुए, नॉट ओनली केतु और अदर्स आर गिवन। केतु का एंड में दिया हुआ है, तो ये क्या है, 4 months 27 days। वीनस का क्या है, हमने निकाला था 14 months 1 year 2 months। सन का 4 months 6 days, मून का 7 months, ठीक है ना, ठीक है, जो हमने निकाला वही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सभी के हैं, नौ के नौ प्लैनेट्स के अवेलेबल है, टेबल इज अवेलेबल, निकालने की जरूरत नहीं, वी डोंट रिक्वायर टू कैलकुलेट इट, जस्ट यू मस्ट नो द आइडिया फ्रॉम वेयर इट कम्स, राइट। इसके बाद ये तो हो गए छोटे जो पीरियड है, बड़े पीरियड होते हैं जैसे वीनस है, तो वीनस में वीनस बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 साल से ऊपर चला जाएगा, और किसी को कह रहे 4 महीने में शादी हो जाएगी, चलो फिर भी ठीक है, लेकिन समझ लो वीनस में सहजन का पीरियड चलता तो ये क्या हो गया, 20 × 19 ये हो गया 38 months, 3 years 2 months हो गया, 3 या 2 months हो गया, हमें 3 साल में तेरी शादी हो जाएगी, लड़की पहले 31 साल की है तो उसकी माँ तो बोलेगी हो लिया काम भाई, पंडित जी कुछ देखो इस साल हो जाए कुछ, अगले 5-6 महीने हो जाए, ठीक है। तो फिर इसका फिर फर्दर जो है प्रत्यंतर निकलता है, जैसे वीनस शनि, तो फिर शनि में फिर शनि में मरकरी केतु वीनस, यही ऑर्डर, शनि मरकरी केतु वीनस,
ऑर्डर रिमेन्स द सेम। ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 19 डिवाइड बाय 40। ये निकलता है, ये निकलता शनि मर्करी जो हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 17 ओवर 40। ये 19 के बाद ये शनि का 19 है, 20 इंटू 19 इंटू 19 ये हो गया 2, 19 इंटू 19 इतना पढ़ा तो आता नहीं भाई, क्या कैलकुलेटर। कितने मंथ हो गए? 6 मंथ हाफ डे 12 आवर्स का, आपकी मर्जी, या 0.5 डेज लिख लो। सो वी कैन से ओके समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन 6 मंथ्स, बट इज समवट अ गुड प्रेडिक्शन, समवट, नॉट ऑलवेज इट इज अ गुड प्रेडिक्शन। फर्स्ट दशा भुक्ति देखेंगे, दशा भुक्ति में अगर वो टाइम पीरियड में काम नहीं होगा तो अंधा देखेंगे। मेथड क्या होता है? बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो आप कि पहले हम ये तो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि सिर्फ दशा कैसे कैलकुलेट होती है, भुक्ति कैसे कैलकुलेट होती है, अंतरा कैसे कैलकुलेट होता है, एक मैंने आपको आइडिया दिया और ये इस तरह से कैलकुलेट होती है। अब घर जाके करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कर लोगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यू मस्ट नो द बेसिक्स। बट जब हम इस प्रेडिक्शन के लिए बैठेंगे देन वी डोंट रिक्वायर, बट जो हम आज कर रहे हैं तब तो सॉफ्टवेयर अपने आप बताएगा कि इसकी मून की डिग्री है, इसकी इस समय ये दशा चल रही है, पैदा होते ये चल रही थी, अब ये 40 साल हो गया तो अब ये दशा चल रही है, ये भुक्ति है, ये अंतर है, ठीक है। तो जब प्रेडिक्शन करने बैठे हैं फिर हम ये देखेंगे दशा पॉजिटिव किसी का इस काम के लिए है, भुक्ति पॉजिटिव है, अंतरा है या नहीं। 40 साल का आदमी है तो वो शादी के बारे में तो नहीं पूछेगा, वो ज्यादातर प्रॉपर्टी के लिए पूछेगा, व्हीकल के लिए पूछेगा, प्रमोशन के लिए पूछेगा, हो सकता है कनाडा सेटलमेंट के लिए पूछता हो, ये तो एज इस टाइप की है। या बोले डायबिटीज होगी, ये पीरियड शुरू होता है शहरों के अंदर डायबिटीज होने का, बीपी होने का, है ना, ये पूछेगा। तो हमें देखना पड़ेगा दशा इज शोइंग, सपोज द क्वेश्चन इज अबाउट इमिग्रेशन टू कनाडा, दशा इज शोइंग इमिग्रेशन, देन वी हैव टू सी भुक्ति इज शोइंग इमिग्रेशन, अंतरा इज शोइंग इमिग्रेशन और नॉट। हम बोलेंगे हाँ इस पीरियड में आप चिट्ठी डाल दो, फॉर्म सबमिट कर दो, आपका काम हो जाएगा, ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, ठीक है। सेम मैरिज के लिए, सेम प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, दशा हो गया, मुक्ति हो गया, अंतरा हो गया, और क्या पड़ा? प्रतंत्र दशा के लिए टेबल में वैसे वो टेबल, हाँ वो तो वही देखोगे, टेबल इज अवेलेबल। जैसे वीनस में ये शनि देखने वाले, वीनस में शनि के फिर 9 पार्ट्स हो जाएंगे ना, जो वही तो कर रहे थे, वीनस में शनि, में शनि फिर मरकरी, अभी लिखा था मैंने केतु वीनस सन मून, वीनस में शनि, में शनि कितना आया? 6 महीने आया, नहीं आया? 6 महीने और आधा दिन होगा, 12 घंटे। वीनस शनि मरकरी तो मैंने बताया था आपको 20 इंटू 19 इंटू 17 ओवर 40 19 इंटू 17 आप कैलकुलेटर से निकालो, या 5 महीने 11 दिन तो करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट टू टेल यू इट इज सो। तो ये टेबल भी नहीं देखनी पड़ेगी, वो कैलकुलेटर में कोई नहीं देखनी पड़ेगी, टेबल कोई देखने की जरूरत नहीं, वो तो हमको सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो कंप्यूटर का फायदा क्या हुआ, ये बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना। अब जमाना फास्ट फूड का, आदमी आया उसको जवाब चाहिए, आप पुरानी पिक्चर और नई पिक्चर देखो लोगों के उसमें फर्क है। अब आप ये नहीं कहते जी हो जाएगा काम तो कर दो, लोगों को खाना खाने की फुर्सत नहीं, मैकडोनल्ड है वो लोग कड़ा सैंडविच ले
काम खत्म। पहले माता ही बैठ, मम्मी भूख लगी है, सब्जी बन रही, रोटी बन रही, शिकंजी बन रही, तो हम यूं बैठ के देवे शिकंजी बन रही, चीनी घुल रही, शिकंजी बन रही। फिर आ गया भाई चीनी का घोल ले आओ, नींबू भी नहीं निचोड़ो, नींबू का भी रस ले लो और मिला लो। अब लोगों को उसकी भी खुजली नहीं है, अब होता है ऐसे ही दे दो नींबू सोडा मिलता है, वो नींबू क्या, नींबू मसाला, नींबू मसाला वो पैकेट, हाँ नींबू उस पैकेट में ही आ रहा। वक्त बदल गया ना बॉस, फास्ट सबको ऐसे चाहिए, क्विक क्विक। और कंप्यूटर आ गया तो क्यों हम कैलकुलेशन में अपना सिर खपाई करें? जितना आप दिमाग थकाओगे कैलकुलेशन के अंदर, उतना आप उसको बताने में लगाओ, उसको कैलकुलेशन से मतलब थोड़ा है कि मेरा शनि कहाँ बैठा, उसको मतलब ये बताओ कि हो क्या रहा है, ये बताओ भाई। ठीक है भाई, ये टप्पा देना भाई, दोनों दे दो यार, नीचे वाला पहले दे दो, स्पेशल है यार भाई, दिल्ली में नहीं मिलती, बस ये नहीं पूछते। खाने का बताया करो, पहुंच जाइए घर पे, पीछे दे दे यार, ले लो बहन जी, ले लो, हो गए मोटे जितने होने थे। अरे खा के देख लो, कुछ नहीं, चॉकलेट दो खा लोगे, ये नहीं खाई जाएगी चॉकलेट, क्या इसलिए जी रहे हो? ओके ओके कीर्ति जी, सो दिस इज हाउ दी दशा भुक्ति अंतर हैज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, लेकिन ये अब ऑल इज अवेलेबल इन दी, ऑल इज अवेलेबल इन दी टेबल, की भी जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक, तो आज ये हो गया, हो गया पुराना, ठीक, प्रॉब्लम मैडम, बाद में सॉफ्टवेयर की बात बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी तो आप चीज को समझो, अभी सॉफ्टवेयर आपके किसी काम का नहीं, अभी हम अगर कुंडली बनाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं किसी को बना के देते हैं, प्रेडिक्शन होगी देन विल बी रिक्वायर्ड, और जल्दी ना मिल जाए मशीन ज्यादा अच्छा है, सवाल ज्यादा पूछोगे परेशान ज्यादा। अब आज बताए थे आपको ये नाम है, चलो बताए, ये बुढ़ी जनानियों को इम्प्रेस करने के तरीके, ठीक है, इसमें क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। ये ना पंचांग होता है ना, तो पंचांग, तो पंचांग में को यूज करते, वैसे आप जरूरत नहीं रही, लेकिन वी मस्ट नो, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है हमारे, लेकिन हमारा काम नहीं है, हाँ ये पंचांग, इस पंचांग से हमारा कोई लेना देना नहीं, ज्योतिषी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि ये पंडित के पास होता है, पंडित का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, उसका काम जो है पूजा करने का बस, ठीक है, मुहूर्त देखने का, मुहूर्त भी गलत देखेंगे, उनको मालूम नहीं, मुहूर्त भी निकालना उनको नहीं आता। एक है पंडित, फिर अब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी चीज, एक है पंडित हमारी लाइन में, हमारी लाइन का मतलब हो गया, ये हमारी लाइन का इंडिया में मतलब यह है कि जब आदमी तकलीफ में है, जब उसको सवाल का जवाब रैशनली नहीं मिल रहा, जैसे आपकी माताजी भगवान नगर बीमार हो जाए और आप डॉक्टर डॉक्टर धक्के खा रहे हो, कुछ नहीं, फिर बताए पंडित तो पूछ लेने, अगर प्रमोशन नहीं हो रही पंडित तो पूछ लेने, सस्पेंड हो गया पंडित तो पूछ लेने, जब भी तकलीफ जो हमारे को रैशनल नहीं, अगर प्रमोशन हो रही भाई नहीं हो रही, जरूरी ना तो आपके तरीके से होगी। जिंदगी में कई लोग हैं क्लर्की लगते हैं, सारी जिंदगी क्लर्की में खत्म हो जाती है, अकाउंटेंट होते हैं सारी जिंदगी अकाउंटेंट में खत्म हो जाती है, नहीं होती उनको खुजली, कहीं बहुत खुजली होती, क्यों की में
समस्या है तो भी चार टाइप के आदमी हिंदुस्तान के अंदर हैं जिनके पास आदमी जाता है। एक है पंडित जी टाइप्स, पंडित जी टाइप जो मंदिर में होते हैं, तिलक लगा, बोधी है, धोती कुर्ता, पहचान लो। दूसरा जोशी टाइप जो मैं हूँ। तीसरा तांत्रिक टाइप्स और चौथा जो है वह गुरुजी टाइप्स। गुरुजी टाइप्स में हो गए आशा सिंह, वो क्या नाम है, तो उसमें बोल रहा तो क्या हो गया, नहीं नहीं क्यों तो भी ठीक है, नहीं नहीं जाए चाहते तो है ना रविशंकर जी के, मैं गलत क्या बात है, जाना गलत है, ये आदमी ठीक नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूँ, ये चारों आदमी जेल जाते क्या, रामदेव नहीं मैं बताता हूँ, मैं बेसिकली आपने बात सही पकड़ी है, आइए कांग्रेचुलेटिव पर रहा है लेकिन पहली क्लास में बताई थी आप, अच्छा मैं वीडियो देखा था, अच्छा अच्छा तो नहीं अब मैं थोड़ा उसकी और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो अलग है कि जाते लोग भी ये जाएंगे आशीर्वाद मिलेगा, पैर छू लेंगे, कुछ पंडित जी दे देंगे, वो गुरु जी कुछ दे देते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है, ऐसा लोगों को फीलिंग होती है और इस एक सेक्ट बन जाता है, फिर वो मतलब अगर 20-50-100 आदमी एक बार पीछे हो जाए तो फिर दुनिया जुड़ती जाती है। हिंदुस्तान में वहम बहुत है लोगों को और वहम का भी इलाज ढूंढने नहीं चारों के पास जाते हैं लोग, तो हम में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 लोग जो है सामने लैपटॉप पे अंदर भी बैठे हैं जो कनेक्टेड है। अब नो हम लोग 9-10 लोग हो गए, 4 तो 6, 3 वो एक मैं 10 हो गया, बहुत है इतना बहुत है। इनमें से किसी को भी मतलब हम आपको बना, आप सही लग रहे हो मेरे को, दाढ़ी दूढ़ी है आपकी, बाल लंबे करके आपको गुरुजी बनाए थे, तो हम प्रमोट करने लग जाएंगे भाई गुरुजी है, ये अपने जो है बहनों भाइयों को वो कह देगा हमारे गुरुजी हैं, मैंने बड़ा फायदा हुआ है उनके, ऐसे कभी राखी पे टिक्के पे ऐसे बैठ के बात, अच्छा 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 थैंक यू, इन्होंने बता दिया, इन्होंने बता दिया, सब ने बता दिया, फिर उनका ना सत्संग होता है, तो एक दिन हम सत्संग कर लेंगे तो कम से कम हम इतना तो कर ही लेंगे, 500 आदमी की तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, 500 आदमी की भीड़ इकट्ठी एक बार होगी, गेम शुरू होगी, खेल शुरू है। अब हमारी मर्जी है हम इनको किस तरह से हम इनको प्रमोट करना, या तो ये लाची वाले बाबा हो जाएंगे, ये लाची देंगे रे लाची, दुनिया लाची, ये इनका ब्रांड हो गया। आपने रविशंकर जी का देखा, रविशंकर जी एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो दूसरे टाइप के पैंट शर्ट तो नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते भाई, क्या समस्या है, उनमें में क्या फर्क पड़ रहा, बट वो एक ब्रांड बन जाता है, फिर एक श्री बन जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। इस तरह से श्री श्री राधे माँ, तो आपको ज्वेलरी वाली कितनी कोई भी माँ नहीं मिली हो जाए तक, तो एक नए टाइप की ब्रांड बिल्डिंग। इस तरह से आप देखेंगे वो जग्गी वासुदेव, एक डिफरेंट टाइप की ब्रांड बिल्डिंग, गलत ठीक मैं नहीं कह रहा, इट्स अ ब्रांड बिल्डिंग। नहीं मैडम वो गिफ्ट नहीं दे रहे, तो गोदी में उठाने के 10 लाख रुपए, 10 लाख में गोदी में आ जाएंगे, देखो अपना ब्रांड बिल्डिंग है गोदी वाली माँ नहीं है ऐसे करते, ये ब्रांड बिल्डिंग है, मैं गलत ठीक पे नहीं जा रहा। रामदेव बाबा का अलग ब्रांड बिल्डिंग है, वो लगा भाई करने से होगा लगे रहो, और उधर भी चले जाओ रविशंकर जी, अगर आप कोई आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं मुझे पता नहीं, वहां पर भी यही है, उनके पास भी यही है और कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है ठीक है क्या है, वो सही बता रहे हैं भाई, शराब खाने के जाने के बजाय तो यही करो यार, उसमें क्या बात है, बट द ट्रस्ट इज मेकिंग मनी एंड देयर इज नो पॉइंट, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर ट्रस्ट इज मेकिंग मनी क्या है, सब पैसे बना रहे हैं, अगर ये भी बना रहे हैं तो क्या बात, लेकिन होता डिफरेंट है, जो रविशंकर जी के साथ नहीं हुआ, जो जग्गी वासुदेव जी के साथ अभी तक नहीं हुआ, भगवान ना करे हो, नहीं तो हम जैसे लोगों की आस्था टूट जाएगी। रामदेव बाबा के साथ भी ना हो, भगवान ना करे, रामदेव बाबा का तो गारंटी मैं लेता हूं, उनके साथ तो नहीं हो सकता, बाबा नहीं बिजनेसमैन, नहीं आई एम नॉट अगेंस्ट अ बिजनेस, इफ ही इज डूइंग बिजनेस व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, if he has taken over the market of Nestle, Hindustan Lever and others. गलत है ना सर, पहले मैगी को एक बार इन्होंने गलत बता दिया, तरीका देखो गलत है कि इन्होंने
मैगी को गलत बता दिया, आपको मैगी से किसने गलत बताया? मैगी को रामदेव ने गलत बताया, रामदेव ने गलत बताया मैगी को, नहीं, इसके तो फूड के अंदर प्रॉब्लम थी तो इन्होंने उसको करेक्ट किया। इसमें इंग्रेडिएंट डलता है जिससे आदमी को आदत हो जाती है। मैं उसका नाम अजीनोमोटो नहीं था, तो हम घर में डाल, तो आदमी को आदत होती है। बच्चा मैगी मांगता है, बच्चे को मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पंच तत्व पढ़ा रहा था कि बच्चे को स्वीट चाहिए, बस मीठा चाहिए। बच्चा मीठा खाता रहेगा तो वो ग्रो करता है, क्योंकि कफ प्रकृति है उसकी, तो वो जो है ग्रो करता है मीठा खाने से। लेकिन बच्चा क्या मांगता है आजकल? मैगी, विच इज प्रोसेस्ड फूड, विच इज रॉन्ग। चाहे वो रामदेव बाबा का हो, चाहे वो नेस्ले का हो, चाहे वो किसी का भी, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। उसको होल व्हीट क्यों नहीं खिलाते? मेरा ऐसा कहना, मैं नहीं कहता बाबा जी ठीक दे रहे हैं, बाबा जी भी जूस बेच रहे हैं पैकेट, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। बाबा जी खुद भी कहते हैं पैकेट वाले मत पियो, खुद निकाल के। बाबा जी बेचते हैं, वो कहना है एलोवेरा जूस, बोलते हैं भाई खुद निकाल लो। लेकिन हम शहर के आदमी ना निकाल ले सकते ना, मैं तो कहता हूँ गाय पालो, लेकिन हम क्या गाय पाल पाएंगे? हमने फ्लैट है, 10वीं मंजिल में फ्लैट है, कहाँ चढ़ाएंगे गाय? अब ये बात है ना, देखो प्रैक्टिकल देखो, अगर बाबा जी जो है वो बिजनेस करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम मुझको? भाई मैं ये कह रहा हूँ बाबा जी शुड नॉट मिसगाइड, दिस हम उस बात कर रहे हैं कि भाई अब इनके पास जब जाते हैं दे शुड नॉट मिसगाइड, वन थिंग। सेकेंड, अगर ये लोग करप्ट हो जाते हैं तो हमारे जो भावनाएं बहुत आहत होती है। अब जो आसाराम बापू जी अंदर हो गए, जो उनके स्टॉन्च फॉलोअर है वो तो मानेंगे नहीं, मत माने कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आस्था है। लेकिन हमारे जैसे आदमी की टूट जाती है, और दुनिया में ऐसा जाता है कि जो ये बाबे होते हैं ये बदमाश होते हैं, ठीक है ना। हमें मतलब एक एज के बाद दिल करता है कि भाई कमा लिया, खा लिया, पेंशन लग गई, बच्चों की शादी हो गई, अब फिर जाता है कि मेरा जीवन किस लिए, मैं क्यों आया। इन सवालों को पूछने के लिए भी लोग बाबों के पास जाते हैं। बाबा ने खुद ही गुफा बना रखी है, तो बताओ। तो हमारा डाउन होता। दूसरा, मतलब आप लोगों को पता है या नहीं मैं नहीं जानता, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, सिर्फ मुस्लिम धर्म खतरे में होता है। आपने पारसी धर्म कभी खतरे में नहीं सुना होगा, पारसी को ज्यादा नहीं हिंदुस्तान में रहते, लेकिन वो मतलब सिर्फ 2 लाख है मुश्किल से, और वो हजारों साल मतलब सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, और वो खतरे में नहीं फील करते अपने आप, हमने क्योंकि हमारे साथ रह रहे। अगर वो रहते पाकिस्तान में वो खतरे में रहते। तो एक्चुअल में जो जो ये मुस्लिम धर्म है ये खतरे में है, लेकिन हिंदू धर्म का आपने सुना नहीं होगा खतरे में। लेकिन इन चीजों से जब दिल टूटता है तो खतरे में जाने लगता है, क्योंकि दे विल शो यू कि देखो तुम्हारा बाबा, देखो आप पिक्चरों में देखो कि जो बिशप दिखाते हैं या फादर दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते, वो रेपिस्ट होता है, कभी भी नहीं दिखाते। अभी केरल में आया, उसने रेप किया, वो दबा रहे हैं उसको। हिंदू कोई भी आदमी गलत होगा वो दिखा देगा, देखो ये तो है ही रेपिस्ट। तो हमारी आस्था टूटती है, ठीक है। ये मैं अब वापस आते इस पर, जहाँ लंबा लेक्चर है हमारा मतलब कोई नहीं, हमारा मतलब ये था कि 4 टाइप के आदमी होते हैं, बाबा जी टाइप्स, एक तांत्रिक टाइप। तांत्रिक टाइप के साथ जाएंगे आप, जाएंगे जब आप नई नई शादी हुई होगी तो बोलेगा तेरी सास ने कुछ किया है, जब आपके बच्चे की शादी हुई मेरी बहू आई है तेरी बहू ने कुछ किया। तो तांत्रिक के पास 2 ही तरीके हैं बस, तो जनानियां तो तुरंत मांग जाती है, हाँ जी किया, कुछ सटिया कुछ पा दें दिए तेरे, मैं बचा दे सकता लेकिन मैं किसते कुछ करांगा नहीं। नाम उधर सा तो शुरू होता, सा और आ, यही दो नाम मतलब शब्द हैं जिसपे ज्यादातर नाम शुरू होता है। सा नाम कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसके बाप का क्या जा रहा है? हम तो दिमाग घुमाते रहेंगे ना, सा मासी, हाँ मासी का नाम सरस्वती, वो नहीं है। लेना नहीं, देना नहीं।
जोशी के पास जाते हो, जोशी के पास बारी बारी जोशी के पास क्या है, काल सर्प, साड़सती, मंगली, पितृदोष और क्या राहु केतु शनि, ये राजा कोई गंड मूल नक्षत्र। ये तांत्रिक में कुछ अच्छे तांत्रिक भी होते हैं सर? नहीं, अच्छे तांत्रिक बाद में बात करा रहा हूँ अभी। लास्ट में पंडित जी, ये चारों के चारों होता ये गया है कि अब जो है सारे जैसे डॉक्टर की तरह ये अल्ट्रासाउंड करा लो, सीटी स्कैन करा लो, बंदे को जुकाम है सब करवा लो, उनके बाद रिजल्ट कुछ नहीं। तो अब ये चारों भी ऐसे ही हो गया, इंक्लूडिंग मी, चारों ऐसे हो गया कि भैया इस तरह से गोली दे के कोई ना कोई उपाय बनाओ और पैसा ले लो, बकरा आ गया हाथ में। बट नो बडी इज थिंकिंग कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा है, इज पासिंग थ्रू सच अ बैड टाइम, चाहे पैसे से नहीं, साइकोलॉजिकली या इमोशनली या उसकी फैमिली लाइफ बिगड़ रही है, तो उसको क्योर नहीं करते। क्या सवाल क्या था? तांत्रिक का कोई वो कह रहे अच्छा या बुरा तांत्रिक, तंत्र जो है ना एक डिफरेंट चीज है यार, उसको कलुषित कर दिया। जिस तरह से आपका सीटी स्कैन है, अब सीटी स्कैन अगर प्रॉब्लम है तो कराना जरूरी है, बेमतलब कराना शरीर भी खराब होता है, एक्सरे कराना शरीर के लिए तो अच्छा नहीं है, तो हड्डी टूटेगी तो कराना ना। तो अब हो क्या गया है कि जो भी ये लोग हैं इसके ऊपर से आपका विश्वास टूटता जा रहा है। रीजन क्या है कि ये गलत हो गया, तंत्र गलत नहीं है, फिर कभी डिस्कस कर लें। लेकिन तांत्रिक जो गतिविधि है ना यही है, 21 दिन में चमत्कार, चेहरा देख के दिल का हाल बताने वाले, बाबा मूसा बंगाली, जो मेरा किया काट दे उसको 1,00,000 रुपए इनाम, चेहरा देख के दिल का हाल बताने वाले क्या 15-20 दिन बाद अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते। तो वो दे आर जस्ट मिंटिंग मनी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ड्रामा करते हैं आपका जो है दिमाग, भाई आप तो पिटे हुए ही गए हो, अब वो कह दे तेरी सास ने कुछ किया तो आप क्या कर सकते हो, उसका कोई प्रूफ तो देना नहीं ना, वो क्या पड़ी तुम्हारी सास को कुछ करने की। बट अननेसेसरी, तंत्र इज नॉट फॉर दिस, तंत्र इज फॉर सेपरेट इशू। और अगर हम ये सोचते हैं तंत्र से कुछ किया जाता है, किसी को मार दिया जा सकता है कुछ किया, तो फिर मार दो साले वो इमरान खान को, मार दो जनरल को, पाकिस्तान के जनरल, इतने तांत्रिक हिंदुस्तान में पड़े, नहीं हो सकता ना यार, नहीं होता ना, होता होता तो कर लेते। ये जो मेरे बाबे अंदर क्यों बैठे हैं, क्यों बैठा है ये दाती महाराज अंदर, तो क्यों बैठे आसाराम अंदर, तो ये चंद्रा स्वामी को जेल क्यों होगी, फिर मार देता हूँ ये अगोर लोग यार, उसका मतलब डिफरेंट है, वो हमारे ज्योतिष का मैटर नहीं है, फिर बात कहीं और चली जाएगी, उसका फायदा नहीं है। बट They are not capable to do anything with you. ऐसे कुछ नहीं होता, खुद के लिए, खुद अपनी स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए होता है। लेकिन वो अगोर का मतलब वो है कि उन्होंने एक इस तरह से रास्ता ले लिया कि वो उन चीजों का सेवन करेंगे जो बेकार है। हाँ, गंद खाते हैं। अब वो है उसमें स्पिरिचुअल सक्सेस है या नहीं है, बेमतलब की बात अभी क्यों करें यार, अभी हमारा कोई मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ चार टाइप के आदमी के पास जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जो पंडित जी हैं वो, उनको ज्योतिष नहीं आती, उनको सिर्फ ये पंचांग देख के अकाशी कब है, वो दिवाली कब है, दिवाली पूजन है, दशहरा कब पूजन जी बताओ जी, राखी कब बनवाएं जी, ये सब चीजें, ठीक है, दिस इज ऑल वट। और फिर जो पूजा जो हमारी नॉर्मल जो कर्म कांड होते हैं, पंडित जी नोज ओनली दिस, उनका वही काम है। तो उसके लिए हमें ये पंचांग समझा रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता करना है, जो एक तो हम इंडियन डे, एक डेट डे मानते हैं, डे का मतलब क्या होगा, आज क्या तरीक है, 16 कितने बजे शुरू हुई, रात को 12 तो 12 बजे खत्म हो जाता। इंडियन डे डिफरेंट है, इंडियन डे सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, दिस इज इंडियन डे, सो इट विल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कलकत्ता में सनराइज हमारे दिल्ली से पहले होगा, तो कलकत्ता का दिन पहले शुरू होगा, हमारा दिन बाद में शुरू होगा, तो इस समय समाप्त हुई उसका पहले होगा, हमारा बाद में। तो कोलकाता के पंजाग में डे दिन,
सर ये पंचांग मतलब हर जगह का अलग अलग होगा? जी बिल्कुल अलग होगा, मतलब कलकत्ता का अलग, जी बिल्कुल अलग होगा, उसमें दिन अलग होगा, सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज। फिर एक कहते हैं दिन मान, एक होता रात्रि मान, सनराइज टू सनसेट एंड सनसेट टू सनराइज, तो इसके दो पार्ट हो गए, दिन कितना और रात कितनी। ठीक है, तो सर्दियों में घट जाएगी दिन, इस तरह से गर्मियों में दिन बढ़ जाएगा। रात्रि मान के ऊपर क्या लिखा है? दिन मान, तिथि इज डिफरेंट। अब ये लफड़ा, डे इज डिफरेंट, तिथि इज डिफरेंट, दोनों चीजें डिफरेंट। अब कैसे डिफरेंट है वो आपको मैं समझाता हूं। समझ लो सन लिब्रा में 2 degree, मून लिब्रा में 2 degree, राइट? समझ आई? सन और मून दोनों हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगी अमावस्या। चंद्रमा नजर नहीं आएगा, क्यों नजर आएगा? क्योंकि सूर्य के पास है, सूर्य आ चमकता है, मून नजर नहीं आता, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। ठीक है, अब मून अगर आगे चलेगा, समझ लो मून 15 degree, कितनी डिग्री चल गया? 13 degree। सन खड़ा तो नहीं रहेगा, ये तकरीबन एक दिन हो गया, एक दिन हो गया। मून स्पीड इज 11 to 15 degree इन अ डे, तो मून सन हो गया 3 degree, तो एक दिन में सन 1 degree चलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? कितना डिफरेंस हो गया? 12 degree हो गया। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड प्रथमा, 0 to 12 degree का जब डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन सन एंड मून इज कॉल्ड प्रथमा, ये तिथि। डे इज डिफरेंट, डे जो है डिपेंड्स अपॉन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, तिथि डिफरेंट है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। प्रथमा तिथि 0 to 12, द्वितीय 24. ये रफली है या सर ये इतना रहता है बस 12 डिग्री? बताना यार। 36 12 का सर डिफरेंस। ठीक है, 24 का फर्क हो गया, 24 डिग्री होगा, होगी द्वितीय। प्रथमा होगी जब, सुन लो कि सन और मून जब कट्ठे हो गए, कभी तो कट्ठे होंगे, मैंने लिब्रा से ले लिया, कहीं से भी ले सकता हूँ, तो मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए बोला कि जब वो 0 degree है तो प्रथमा शुरू होगी, और प्रथमा जब खत्म होगी, जब सन मून का डिफरेंस 12 degree हो जाएगा, फिर सन मून का डिफरेंस जब 24 degree हो जाएगा, मून और आगे चला जाएगा, इट इज द्वितीय। फिर 24 जमा 12 36, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे 12 जोड़ते जाएंगे, और जो सन मून का डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पूर्णमासी। 15 दिन गुजर जाएंगे, 15 × 12 degree कितने हो गए? 150। ठीक है, सन मून 180 डिग्री हो जाएगी, ये तिथि होती है। अब सन मून जो है आपस में 0 degree कब होंगे, दिन के किस टाइम में होंगे, दिस इज ऑल ओपन। दोपहर 2 बजे भी हो सकता है, सुबह 6 बजे भी हो सकता है,
रात को 11 बजे भी हो सकता है, इसका कोई सन और जाने और मून जाने उनका काम, हमारा कुछ नहीं। ये 12 बजे की नहीं है। तो पंडित जी बताएंगे ऐसी एकादशी ना तद शुरू हो रही है, रखनी तक खत्म हो जाएगी जी 2 तक, वो तिथि के हिसाब से बताए। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे सनराइज कलकत्ता में शुरू हुआ समझ लो 5:15, गुजरात में हुआ 1.5 घंटे के बाद, तो अगर इसके बीच में दशहरा आ गया तो समझ नहीं आता पंडित को इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, कौन सी तिथि बताऊं। तो डे कुछ है, तिथि कुछ है, कंफ्यूजन। पंडित जी इज डिफिकल्ट, पंडित जी के लिए मैथमेटिक्स इज लिटिल टफ। आप भी घूम गए होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, दशहरा हो गया 10th डे। अब ये लिब्रा में अगर सन और मून है इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज दिवाली डे। सन मून जब लिब्रा में है इट इज दिवाली डे। इससे 20 दिन पहले क्या दशहरा, उससे 10 दिन पहले क्या श्राद्ध खत्म हो जाते हैं और जो नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो एवरीथिंग इन इंडिया इज मतलब जो इंडियन हिंदू कैलेंडर है ये सारा कुछ सारा जो है ये साइंटिफिक कैलेंडर है, विच डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ अर्थ रोटेशन और सन एंड मून डिफरेंस। तो ये होगी हमारी तिथि। एग्जाम्पल दिया मैंने, कह सकता सन को तू 2 पे आ और मून तू भी चल पी 2 पे जाके घुस जा उसको, मैंने कहा इसका तो वो तो अपने आप ही होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी जरा। दिवाली कौन से दिन थी? 7th November। मैंने जी बताओ सन और मून की डिग्री बताओ। मरे बता दो यार। 21 डिग्री 9 मून की 21 डिग्री 8। ठीक है, अभी एग्जैक्टली डिग्री पे आ गए एग्जैक्ट सन मून एंड लिब्रा इस साल। ठीक हो गया, मेरे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब सन लिब्रा में आएगा, नेक्स्ट टाइम का मतलब नेक्स्ट ईयर, जब सन लिब्रा में आएगा तो मून इसको 21 डिग्री पे मिलेगा, 15 डिग्री पे मैं नहीं जानता। ये तो जिनकी आपस की मूवमेंट का मतलब है, इसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। अब नेक्स्ट ईयर का देख लेते हैं।
अब 2019 को जब सन लिब्रा में आएगा तो मून उसको 10 डिग्री में मिलेगा। ये दिवाली का दिन होता है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं कार्तिक अमावस्या, 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा, उसमें क्या होता है गुरु नानक जी का बर्थडे, इस दिन पटाखे बजा सकते। जितने भी कन्वेंशन होते हैं ये सब दिवाली के साथ होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये दशा निकालने वो इंडिविजुअल चार्ट पे, ये तो दशहरा उस टाइम से नहीं निकालेंगे, दशहरा तो नवरात्र से निकाले। मैं आपको उल्टा ले जा रहा हूँ, वैसे हम अगर इससे एक महीने पीछे चले जाएंगे, व्हेन सन एंड मून विल बी इन वर्गो सेम डिग्री, तो नवरात्र शुरू हो गए। वहां से भी तो शुरू कर सकता था, मैंने तो बाई चांस यहाँ लगा दिया, तो मैंने आपको उल्टा बता दिया, उल्टा पकड़ना मुश्किल है। और उससे 15 दिन पहले श्राद्ध, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि ये एवरी मतलब एवरी सच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दी पंचांग पुराण। पंचांग कितने भाई कितना, एवरी सच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दी पंचांग, बट वी मस्ट नो कि भाई वो क्या है, क्या नाम है, अमावस्या का क्या मतलब है, पूर्णमासी का क्या मतलब है, तिथि का क्या मतलब है, उनको बेसिक पता नहीं। चार्ट के अंदर जब सन यहाँ है और मून यहाँ है, राशि का कोई मतलब नहीं, इट मीन्स अमावस्या और मून जब उसके यहाँ आ गया तो दिस पूर्णमासी 180 डिग्री डिफरेंस हो गया, और ये जो हो गया ये शुक्ल पक्ष हो गया, मतलब मून यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ मिले, मतलब मून बढ़ रहा है और यहाँ से है तो मून घट रहा है, दिस इज कॉल्ड द कृष्ण। कृष्ण पक्ष वो चांदनी अंधेरी रहता है। अब आते कि हमारा ईयर कैसे हो, इंडियन ईयर, स्टार्ट 31 दिसंबर को क्या करते, डिनर पार्टी हो, 5 लगाओ न्यू ईयर मनाएंगे ना, ठीक है मनाओ भैया। जो हॉस्पिटैलिटी वाले लोग भी, उनको भी तो रोटी चाहिए, दे आर प्लांटिंग सम ओकेजंस फॉर सेलिब्रेशन, लोगों का पैसा खर्च बढ़ गया। आजकल क्रिसमस में वाले दिन भी जो है सड़कें जो है जाम है, लोगों को सेलिब्रेशन का वो चाहिए, क्या ना वहा, ठीक है करें क्या दिक्कत। तो न्यू ईयर स्टार्ट 1st January, बट हमारा न्यू ईयर कब शुरू होता है, मकर संक्रांति नहीं, 25 मार्च मकर संक्रांति को नहीं होता, अप्रैल में नहीं होता। सन मून इन पाइसेस, जब ये एग्जैक्ट डिग्री पे आ जाएंगे तो अब वो मार्च में भी हो सकता है, वो अप्रैल में भी हो सकता है। सन मीन राशि में कब होगा, मीन राशि सन जनवरी में होगा, कौन बोला जनवरी, निकल जा क्लास से बाहर। मकर संक्रांति तो लोहड़ी हो रही, तो मकर बोल रहे हैं संक्रांति, तू कह रहा मीन में कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये 15 मार्च के करीब 16 मार्च को जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इस साल 2018 में, 2019 देख लो, 2019 को सन और मून पाइसेस में कब, क्योंकि 5 अप्रैल 2019 सर ये पहली राशि, इसलिए ये मानते हैं सर
और इस समय पे शुरू करने का अर्थ सिंपल था, इस समय पे फसल बैठती है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम क्या? सौरभ आगे गुप्ता जी, आप तो जानते हैं कि हमारा जो इंडिया में जो खाता, गुप्ता ही जाना जानते हैं, हमें नहीं पता है खाता कब लिखा जाता है, दिवाली वाले में क्यों? उसका रीजन है फसल कटते हैं। फसल कटे तो आपको पता है आपके पास कितना पैसा है, तो उसको आप बजट बना सकते हो। जो अपना इंडियन सिस्टम है जो 31 मार्च वाला बकवास सिस्टम है, उसका कोई अर्थ मैटर नहीं करता। तो आपको पता नहीं फसल कितनी कटनी, ना रबी की ना खरीफ की, और कृषि प्रधान देश है, तुम कर क्या रहे हो? बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्यों किया कि फसल कट रही है इस समय पे, नया साल आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली, अब देखो ना 5 अप्रैल को आ रहा है ना, 5 अप्रैल 2019 को, तो ये तकरीबन कब हो गया, जब हमारी फसल कटेगी, गेहूं कटेगा इस समय, है ना? तो अब आपका नया वर्ष आ गया, तो सेलिब्रेशन क्या अब तो डिफरेंट हो गया ना सर जी। अब तनख्वाह मिलती, तनख्वाह मिलती, चलो पहले तनख्वाह नहीं मिलती ना सर, पहले आपको वेट करना पड़ा 3 महीने से 6 महीने तक आपकी, तब आपका पैसा आएगा, माल बेचोगे, लॉटरी खुलेगी या नुकसान होगा तब आएगा, है ना? तो अब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस समय पे इन चीजों का मतलब है। अगर ये दिन शुरू हो रहा है तो, या अभी ईयर शुरू हुआ है, तो उसका कोई मीनिंग है हमारे जीविका के साथ। मकर संक्रांति कैसे किस लिए करते हैं कि सन स्टार्ट्स इस नॉर्दर्न कोर्स, सदर्न होता है नॉर्दर्न होता है बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। तो नॉर्दर्न कोर्स शुरू करता है तो सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट जब भी हम करते हैं इंडियन त्योहार में, तो इट इज पूरी कम्युनिटी सबके साथ, अकेले क्यों नहीं करते? ज्योतिष से लेना देना नहीं इस चीज से, अकेले क्यों नहीं करते हैं कि अकेले जाएंगे तो क्या करेंगे, लौंडे लौंडे जाएंगे क्या करेंगे सर, लौंडे लौंडे जाएंगे गोवा में क्या करेंगे, रिजॉर्ट में दारू पी। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, स्नान करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे स्नान करने? ठीक है, परिवार के साथ जा रहे हैं, अकेले तो जाएगा नहीं, कभी लौटे चले जाइए। ठीक है, तो सात्विक माहौल रहेगा, और जहां भी जाना होता था तो पहाड़ पे जाना था ज्यादातर, जो भी मंदिर है नॉर्मली आपको देखोगे पहाड़ में बना हुआ, तो थोड़ा शर्म लगे बंदा जाए, थोड़ा सात्विक माहौल हो। और जो पहाड़ पे लोग रहते हैं तो उनकी जीविका के साधन नहीं है, अपने उनकी इकोनॉमी भी चल रही तो, और सात्विक माहौल रहता है। और जब भी सेलिब्रेशन है इट इज अमंगस्ट लॉट ऑफ पीपल, अकेला कोई त्योहार नहीं बना। जो ये होता है उल्लू पूजन का दिन है मैडम, करवा चौथ, उसमें किसको पूजते हैं हम, चांद को पूजते हैं, वो कह रहा है हस्बैंड को पूछते हस्बैंड को देखते क्या ये मैं को पता नहीं हमारा कौन, आप हमारे कौन से आप, करवे को पूछते हैं सर, करवे को। ठीक है, तो पहले सास को देखे आते हैं, एक दिन पहले पहले सास को देखे आते हैं, फिर जनानियां जो है वो बैठती हैं मोहल्ले में, फिर उसके बाद जाके उल्लू पूजन का समय है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है चाहे होली है दिवाली है, इट इज विद इन द कम्युनिटी, समाज के अंदर है, हमारा अकेला नहीं होता। ब्रदर डे, सिस्टर डे, फादर्स डे, मदर डे, रोज डे, लव डे, टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, पिछवाड़े पे लाद डे, ये हमारे वो नहीं है, इट्स नॉट सिंगल सिंगल, इट इज विद कम्युनिटी, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम है, उसमें साइंटिफिक नहीं है। गलत ठीक मैं नहीं कह रहा, 25 दिसंबर है फिक्स है, तो कोई मेथड नहीं है, क्योंकि वहां संस्कृति नाम की चीज न थी, न है, न होगी,
उनका सिस्टम डिफरेंट है, वो तो संस्कृति जहाँ पर आए वहाँ सत्यानाश मानने लगे, हमारी चली नहीं जाए हमें वो बात। एनीवे बैक टू द चैप्टर, एक हो गया दिन इज डिफरेंट, तिथि इज डिफरेंट। फिर इसमें होता है पंचांग में एक ही बात है, नक्षत्र, नक्षत्र मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, नक्षत्र मैंने बता दिया। तो इसमें नाम है चंद्रमा, जैसे अभी हमने कह रहे शनि की दया चली, तो इसका मतलब शनि के नक्षत्र में बच्चा पैदा, ठीक है, उसके नाम है, वो नाम 27 है, याद करने की जरूरत है। तो पंचांग में ये लिखा होगा कि चंद्रमा कौन सी नक्षत्र में है आज, सब है सॉफ्टवेयर में, सब है, एवरीथिंग इज इन द सॉफ्टवेयर। तो एक एक है पंचांग में, पंचांग का मतलब हो गया 5 एलिमेंट्स। तो एक है तिथि, मैंने आपको बता दिया, एक है नक्षत्र, वो मैं आपको बता दिया, एक है योग, एक है करण, एक है वार। वार की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एतवार है, ठीक है। करण इज हाफ ऑफ तिथि, योग इज तिथि, क्या थी, सन और मून के बीच का डिफरेंस 12 बढ़ता जाए। योग क्या है, मून 12 डिग्री एरीज से बढ़ता जाए। तो ये 5 अंग है इसके पंचांग के, तो उसमें लिखे होते दिस दे यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मैरिज एटसेट्रा, विच दे ऑलवेज कैलकुलेट इनकरेक्ट। कैसे होंगे वो तो हम आगे कर लेंगे। एक दिन पे शादियां करा देते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते, परेशानी होती है, वही चौमासे में नहीं होगा, अभी श्राद्ध में नहीं होगी, चौमासे में क्यों नहीं करते भी? शादी मतलब गर्मी और बरसात में वो तो कुछ लगन नहीं, कुछ क्यों नहीं होता यार, कुछ तो इट इज साइंटिफिक, इसमें नॉन साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक मौसम की वजह से। बिल्कुल सही बात है, मौसम अच्छा नहीं है तो अब जनानियों के मेकअप जो है उतर जाएंगे, तो बच्चे मतलब बच्चे बोले एक तो डर भी सकते हैं, दूसरा ये होगा मम्मी भूल गए अपनी, कौन सी मम्मी, मतलब नहीं तुम मेरी मम्मी नहीं हो, ठीक है ना, बच्चे तो रुल जाएंगे ऐसे। तो हमारा जो भोजन भी है वो मेनली दूध दही और वीट है ना, तो उसमें खमीर उठ जाए, दूध फट जाए, पहले तो अब तो फ्रिज आ गए तब भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन रेनी सीजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अपने श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध क्यों करते हैं कि अब हम हमारी खरीफ की फसल कटने वाली है, पैसा आएगा, दो होती है मैडम, रबी होती है खरीफ होती है। नहीं मैडम जी, श्राद्ध इसलिए करते हैं, अभी मैं पूरी बात नहीं हुई मेरी, कि खरीफ की फसल कटने वाली है, ठीक है, या कट रही होती है, ठीक है जी, और अब हमारे पास पैसा आएगा, अब सेलिब्रेशन और अच्छा मौसम आ गया। तो सर्दी का मौसम जो है वो इट इज़ अ हेल्दी सीजन, गर्मी का इज नॉट अ हेल्दी सीजन, राइट। और आप इस समय पे देखो खाने पीने का आनंद भी है, फ्रूट मिलेगा आपको, ड्राई फ्रूट मिलेगा, जो फ्रूट है बड़ा बढ़िया मिलेगा आपको, तो इसीलिए सेलिब्रेशन। कपड़े भी आप अब मई जून के अंदर शादी हो, क्या कपड़े पहन के जाओगे भाई बताओ, ठीक है ना, फायदा नहीं ना। अब वो नॉर्मली क्या आता है, वो लेडीज जो है पीछे पीठ नहीं ज्यादा दिखाती है, देखा ना आप, पता है जब शादी में नंगी पीठ वाली ब्लाउज पहन के जाएंगे, नॉर्मली वो कवर्ड वाली पहन के जाएंगे। अब बताओ पसीने पसीने आ रहे हो और मेकअप पीछे का सारा पिघल जाए, दिखा गया रहे हो आप, तो उसमें फील तो आ रही, गहने नहीं पहन सकते आप, सफेद कुर्ता पजामे का बनाया और कुछ मतलब फील ही नहीं आती, मतलब लगता है यार और कोई कलर भी ना पहने, मैं ये कह रहा, ठीक है। तो इसलिए सर्दियों में सेलिब्रेशन है, तो सर्दियों में पहले नवरात्र हो गए, नवरात्र के बाद दशहरा हो गया, दशहरा के बाद दशहरा के बाद उल्लू पूजन हो गया, करवा चौथ हो गया, होली होगी, फिर ये धनतेरस होगी,
छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ गई या गुरु नानक जयंती। वैसे गुरु नानक जी तो अप्रैल में जी पैदा हुए थे, सरदार सरदारों वाला ही काम करे, उनका कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर अब यहाँ इंडिया में भी क्रिसमस मनाने लग गए, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं। और ये नेक्स्ट जो रामनवमी तक आके फिर गर्मी बहुत बढ़ जाती, ठीक है। मकर संक्रांति भी आ गई और फरवरी तक शादियां होती हैं, आपको पता है। ये चार महीने होते हैं, इसमें एक महीना नहीं करने देते, 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक इसके बीच में शादी होती है। इसको ये कहते हैं मल मास, दिस सन इन सजिटेरियस। कल आखिरी दिन था सर, बहुत शादी होती है, सन सजिटेरियस में चले जाते हैं। कत्ते का महीना, कार्तिक तो अलग हुई, कत्ते कत्ते नहीं, कार्तिक हो गया ना, कत्ते। जो भी लगते हो मैडम जी कर सकते हैं, ये पंडितों बेवकूफ है, इनको आता आता पता नहीं कुछ, इनको कोई लेना देना नहीं इस, ये काम हमारा आदमी करते हैं, इनका है नहीं। लेकिन हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास पिटिशन के लिए आएगा, मुहूर्त निकाले फिर पंडित के पास जाता है। ये रिचुअल है, क्योंकि फील नहीं आती है। क्या है ही नहीं, सिर्फ जो है मतलब आप समझ लो 6 महीने ऐसे होते हैं जो गर्मियों के होते हैं, उसमें नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, या तो गर्मी है बरसात है और क्या है, शादी कर लो क्या फर्क होगा, बल्कि तो अच्छी अच्छी बात है, श्राद्धों में शादी करो वैसे देखा जाए। एक तो बैंड वाले फ्री सस्ते, घोड़ी वाले सस्ते, बैंकवेट हॉल सस्ते, हनीमून की जगहें सस्ती, और क्या चाहिए, तो बढ़िया मुहूर्त हो गया। जहाँ 1 करोड़ की शादी है 70 लाख में निपट लगी, 30 लाख बच गए, और इससे बढ़िया क्या मुहूर्त बताऊंगा आपको, कमाल कर रहे हैं आप। मुहूर्त का मतलब ये है ना, अच्छा हो, अच्छा हो गया आपके सामने, अच्छा हो रहा है, नजर नहीं आ रहा आपको। मतलब ये जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध में बच्चे पैदा होते हैं ना, ऊपर वाले के लिए तो ठीक है सब, 365 दिन सही है, पंडितों के लिए प्रॉब्लम है, आज 10 दिन चंगा नहीं है। है क्या बात यह है कि हमें भगत सिंह बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण भी बड़ा अच्छा लगता है, सुभाष चंद्र बोस भी अच्छा, लेकिन हमारे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। कहीं और पैदा हो, हम नहीं कटवाएंगे गला भाई अपने। थे बहुत बड़े लोग, कृष्ण जी थे तो बढ़िया, लेकिन भाई कलेश ही था भाई। हाँ तो मीटू हो जाए, कृष्ण पैदा तो मीटू। अच्छा अभी ये बात कर लेते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई इस दिन अच्छा बच्चा पैदा हो जाएगा, उस दिन अच्छा बच्चा पैदा नहीं होगा। अब ये जो मोदी पैदा हुआ 17 सितंबर 1950, इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917, राहुल गांधी जून में 21 जून है, 19 जून 1970, ठीक है। पप्पू है क्या है क्या नहीं है भाई, कांग्रेस का अध्यक्ष तो है, पावरफुल आदमी है ना। अब गर्मी पे पैदा हो रहे या श्राद्ध के आसपास पैदा हो रहे, कहीं भी पैदा हो सकता है गांधी। ये नहीं कि जन्माष्टमी दिन बड़ा अच्छा बच्चा पैदा होगा, जन्माष्टमी नेक्स्ट डे कलेश पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी बुद्धि के ऊपर है। सब ये सब कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं, नहीं, न्यूमरोलॉजी इज ओके, न्यूमरोलॉजी इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दिस, इट इज वेरी एक्यूरेट एंड गिव्स वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन इन सर्टेन थिंग्स। तो उसमें सब इन सर्टेन थिंग्स एस्ट्रोलॉजी एक्सेल्स, क्योंकि एक दिन के अंदर 17 सितंबर 1950 को सारे तो मोदी भी नहीं पैदा हुए ना भाई, उसका जवाब कौन देगा, उसका जवाब ज्योतिष में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि भाई 17 सितंबर में अगर न्यूमरोलॉजी लगाएंगे तो उसमें हम कुछ नहीं बताते, ऐसा नहीं, कुछ चीजें
सटेगी रहेंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो किसी भी दिन कोई बच्चा पैदा हो उससे कोई अर्थ नहीं है, किसी भी दिन भी अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है, इसमें मत राजी, ठीक है। अब इसके बाद है जो स्वामी जो योगानंद जी कहते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद योर कर्म, आपके कर्म के हिसाब से ही आपका जीवन होएगा, आपके कर्म के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा, जैसा आपके कर्म रहे हैं उस प्रकार से आपको शरीर मिलेगा, उसमें ही आपकी आत्मा प्रवेश करेगी जो पिछले जन्म में जो आपने कर्म, पिछले जन्म में अगर हम जो कर्म किया हम मृत्यु को प्राप्त होना ही है, उसके बाद आत्मा रिलीज होगी, तो वो अब वो दूसरा जो है शरीर ढूंढ रही है जिससे पिछले कर्म का हिसाब किताब बराबर आ गया और इच्छाएं भी जो है पूर्ण हो जाए, इच्छा हो जाती है जो डेथ होती है उसको फांसी भी देते हैं, वो तो आखिरी इच्छा बता देगा तेरी मुक्ति हो जाए, होती तो बड़ी मुश्किल मुक्ति लेकिन आखिरी इच्छा बता दे, इच्छा तो खत्म नहीं होती, कार भी चाहिए कोठी चाहिए, इसकी बड़ी क्यों मेरी छोटी, जेलसी कुछ पाने की इच्छा, कुछ देना लेना रह गया, उसी हिसाब से अगला जन्म, तो इसका मतलब हम खुद ही चुन रहे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी को हमने कह दिया जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हो कर दो उसको, तो ये आप नहीं कर रहे, ये कोई करवा रहा है आपसे, यू आर जस्ट पपेट्स। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, हम कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कर्म है, फल कैसे मिलेगा वो ऊपर वाला जाना है। बड़ी कंफ्यूजिंग थ्योरी है, धीरे धीरे बैठो सारी क्लियर हो जाएगी, लेकिन इट नीड्स सो मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आसान नहीं है ये, अगर हमारे को कुछ फायदा ही नहीं होना तो मैं कर्म क्यों करूँ, कई सारे मन में ख्याल और विचार आते हैं इस बारे में, लेकिन होगा वो कर्म से ही, अगर लिखा है कि इस कर्म से जेल मिलेगी, आप देख लो मिल रही है लोग, जो लोगों को कहते थे हम ये करा देंगे वो करा देंगे, हमारे पास आओ तुम्हारी तकलीफों से निकाल देंगे, वो साले जेल में धक्के खा रहे, जिन्होंने साढ़ सतियों के और काल सब के फ्रेंचाइजी ले रखी थी वो जेलों में, पिछले कर्म से हमें ये शरीर मिला या ये लाइफ मिली, किस लाइफ में जैसे कोई रेपिस्ट बन गया या कोई डकैत बन गया, पर उसके कर्म तो आगे फिर खराब हो गए, क्या क्या करूं, वो आगे तो वो सर्कल ही चलता जाएगा, मैं की करा सर भाई साहब, आप देख लो ना सिंपल सी बात है, सोमनाथ का मंदिर भाई साहब गुप्ता ही कितने टाइम टूटा, कितनी बार तोड़ा गया भाई साहब, कौन तोड़ने आए मुसलमान कहाँ से आए सर, ये अफगानिस्तान सीरिया फीरिया यहाँ से, क्या हालत है आज वहां भी, वही हालत है जो पहले थी, दे आर बैक टू स्क्वायर वन, तेल होने के बावजूद भी वो लड़ मर रहे हैं, हिंदुस्तान में तेल मिल जाए तो कमाल हो जाए, मैं कहता हूँ हम इतने मंदिर बना देंगे वो दुनिया कोई जगह नहीं छोड़ेंगे मंदिर। एक जगह मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, खजुराहो जगह का नाम बता रहा हूँ, तो ये चंदेलों का था, तो चंदेल जब भी लड़ते थे और जब जीतते थे एक मंदिर बनाते थे, एंड वी लाफ ऑन खजुराहो टेंपल्स, वो जब मैं दोबारा बताता हूँ, जब वो कोई लड़ाई जीत के आते थे मुसलमानों से, वो आके क्या बनाते थे सर, मंदिर। चंदेल वंश का नाम तो हमने नहीं सुना, तो खास हिस्ट्री के अंदर चंदेल की कोई रोड भी नहीं आपने सुनी होगी, तो वो मंदिर क्यों बनाते थे, कि आदमी का नाम तो आएगा जाएगा लेकिन मंदिर में जाएंगे लोग तो कम से कम उनको शांति तो मिलेगी, तो अपना नाम नहीं करते भगवान का नाम करते। तो हमारे जो राजा हुए या पूर्वज हुए उन्होंने काम ही ऐसा किया जो निस्वार्थ भाव से, अब इतनी बार तोड़ा गया फिर वापस जाते हैं मंदिर, हमारा मंदिर सोमनाथ का मंदिर वही है या नहीं, वो है, और सीरिया वाले वही लड़ रहे हैं, वही लड़ रहे, ये आपके सवाल का जवाब। कितने भी हमारे पे जुलम हो जाए हमने नहीं बदलना यार, बात खत्म होगी, हमारा मंदिर फिर है। कुछ भी कर ले, अब तो मेरे को बता दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन से बैंक के पास होगा, मंदिरों में बैंक पूछा, दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका,
उससे तीन गुना ज्यादा गोल्ड हमारी जनानियों के पास है. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू ट्रू फिगर. वो क्यों है वो मैं नहीं जानता, बट वो कैसे है वो मैं जानता. ये आपका बच्चा होगा तो आप भाई, हुआ भी नहीं होगा, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो आपकी माँ ये सोच रही होगी, लड़की है हुई तो उसे उसकी शादी होगी, उस लड़के को हम क्या डालेंगे, उसकी माँ को क्या डालेंगे. लड़का हुआ तो उसकी बहू के लिए क्या लाए, अभी तो हुआ ही नहीं, पता ही नहीं. हमारी जो इकोनॉमी है ये गोल्ड जोड़ती है, उनकी जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट कार्ड की इकोनॉमी है. वो हमेशा ही गरीब रहेंगे, ऊपर से बहुत ताम जाम हो. आप जाओगे तो आपको पता चले, यू गो टू यूएस यू विल नो दे डोंट हैव एनीथिंग. लड़ने मरने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है. एक घंटे के लिए अगर न्यूयॉर्क से पुलिस हटा दी जाए और एक दिन दिल्ली से पुलिस हटा दी जाए, क्या फर्क होगा हमें होता था. एक दिन में पुलिस हटा दी जाए कार स्कूटर से लड़ा हुआ, साइकिल उस पर चढ़ी होगी, स्कूटर उस पर चढ़ा होगा, फिर कहीं से 12 15 20 लोग आ जाएंगे, वो बोलेंगे हटाओ भाई, लड़ाई खत्म करो, चलो भाई ट्रैफिक रेगुलेट करने खड़े हो जाएंगे खुद ही. बट व्हाट विल हैपन इन न्यूयॉर्क, कम से कम 1,00,000 आदमी को कत्ल हो जाएगा एक घंटे के अंदर. इंडिया का तो एक दिन दे, ओ, दिल्ली का एक दिन दे रहा हूँ, न्यूयॉर्क का एक घंटा दे रहा हूँ. कोई संस्कृति नहीं है. पुलिस वाला आदमी को अरेस्ट करते डरता है वहाँ, क्योंकि गन ना हो गोली ना मार दे, जबकि उसके पास भी गन होती है. यहाँ कांस्टेबल को भेज दो, कांस्टेबल पकड़ लाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं. हमारे कांस्टेबल के पास क्या है, कुछ भी नहीं, डंडा भी नहीं होता. हवलदार का डंडा भी नहीं होता, वो तो उसके पास गन होती है, और अगर उसने किसी ने ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं किया तो उसकी कार जो है 100 मीटर पीछे खड़ी हुई देखेगा, इसको पकड़ू ना पकड़ू. थोड़ी देर कारें खड़ी रहेंगी, फिर वो निकलेगा गन पे हाथ लगाए हुए, उसको बोलेगा पेपर्स प्लीज, फिर उसको चलान काट के देगा. यहाँ क्या, यहाँ क्या होगा, चलान कैसे कटेगा. और मेरे चाचा भी एसी भी है. चल लाइसेंस दिखा. दे आर फाइटिंग आपस में, छुटपुट गए, बब्बे मतगी मतगी होगी, 100-200 ले काम छूट गया, काम खत्म. कंट्री है वो, कोई संस्कृति नहीं. ठीक है, आज मैं थक गया, मेरे को बुखार है बहुत, और मेरी हिम्मत अब जवाब देगी, मैं और बोल नहीं पाऊंगा. तो अभी मैंने आज दशा आपको बता दी, तिथि बता दी, डे बता दिया, और हमारे जो से मैंने ये आपको आइडिया दे दिया कि हमारे जो त्योहार है वो सन और मून की पोजीशन पे सारे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास. जी मैडम. सर क्या ज्योतिष से किसी की लाइफ लाइन देख सकते हैं? लाइफ लाइन तो हाथ से दिखती है. आई मीन मेरा मतलब एज किसी का पता कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, सबसे टफ काम है. प्रश्न ज्योतिष से पता चल जाता है. तो मेरी वाइफ की एक सहेली है, तो उसके ससुर जी नीचे गिर गए, तो उसने फोन किया, भी नीचे गिर गए, चोट लग गई, बिस्तरे गया. मैं भाई 6 महीने बस रह गए आपके पास. तो वो नहीं बोलते भाई साहब सिर्फ गुम चोट है, आप क्या बात कर रहे हो. तो बहन जी सिर्फ 6 महीने. मेरी वाइफ को उसने कहा क्या बात होगी, आज कुछ नाश्ता नहीं खिलाया, क्या झगड़ा क्या. बोलते नहीं, वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, मुझे भी नहीं पता. वो 6 महीने में गुजर गए उनके फादर इन लॉ. तो 15 दिन बाद उसने सुन तो लो, 15 दिन के बाद उसकी सहेली ने दोबारा फोन किया, उसकी सास बड़ी छीके मार रही है. मैं कहता हूँ चिंता ना. बोलो सर. मेरी छोटी सिस्टर है, छोटी बहन अलका, सर उसके हस्बैंड की पोस्टिंग उस जगह पे हुई है जहाँ सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं. नहीं मैडम, जाको रखे साई हम मार सके ना को. अरे छोड़ो, दिल्ली में आप बरात के आ जाए क्या कह सकते हैं. मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि सर वो कारगिल वार में भी थे, बहुत कम लोग उनकी यूनिट के बचे. छोड़ो यार, टेंशन कम लिया करो. जोरहाट जगह है असम में,
तो मोरारजी साई व्हेन मोरारजी साई वाज पीएम तो हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और असम जा रहे हैं जोरहाट में वो क्रैश हो गया दो टुकड़े हो गए हवाई जहाज तो पिछले टुकड़े में तो चार वायुसेना के अधिकारी मारे गए मोरारजी साई जो है वो हवाई जहाज गिरा राइस चावलों के खेत के लिए चावल के खेत का समझ कीचड़ अब मोरारजी साई को कुछ नहीं हुआ वो कीचड़ से सना हुआ किसी के घर में गया बोलता है मेरे पे पानी डालो बोलता है कौन है बोलता है मैं प्रधानमंत्री हूं ये ट्रू स्टोरी है झूठ नहीं बोलना कतई रुपए की मतलब 94 में मैंने झूठ नहीं बोला मैडम जी पता ही नहीं चलता उम नहीं होता कुछ आप ना बर्थ डिटेल भेज देना मैं देख दूंगा ठीक है सिर्फ उनका एज देखना सर सिर्फ क्योंकि सर फर्स्ट टाइम वो डेंजर जोन में गए थे टेंशन नहीं करो बट डिटेल भेज देना मैं बता दूं ठीक है थैंक यू सर